हेलो स्टूडेंट, आज हम थिंक टैंक करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर हमारा है 11, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से 16 तक। पहला क्वेश्चन हमारा है 12, गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड्स। लिस्ट द पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप्स दिस कंपाउंड कैन हैव। अच्छा, पहले हम फंक्शनल ग्रुप देख लें। ये फंक्शनल ग्रुप वो है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में मुश्तमिल है। आपको नजर आ रहा होगा सबके अंदर डबल बॉन्डिंग है, ईथर के अंदर सिंगल बॉन्डिंग है, लेकिन हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो ये एक ही हमारे पास फंक्शनल ग्रुप बन सकता है जो कि अल्कोहल कहलाता है, आर ओ एच। अब इसको हम तीन इसकी देख लेते हैं एग्जाम्पल। हमारे पास ये एक मिथेनॉल है जो मिथाइल अल्कोहल कहलाता है, इथेनॉल है इथाइल अल्कोहल कहलाता है, प्रोपिनॉल है प्रोपाइल अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें तो आर ओ एच है, आर हल्का रेडिकल है, उसके साथ ओ एच ग्रुप लगा होता है। दो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एक प्रोपाइल की रेडिकल की और एक ब्यूटाइल रेडिकल की। अगर प्रोपाइल रेडिकल के साथ हम बनाए तो हमारे पास कंडेंस फॉर्मूला यह आएगा, C H3 CH2 CH2 OH। यानी कार्बन जो है वो तीन है और हाइड्रोजन हमारे पास जो है वो आठ है। ठीक है, एट है। अच्छा, अगर हम सेकंड की बात करें ब्यूटाइल अल्कोहल की, तो ब्यूटाइल अल्कोहल का जो कंडेंस फॉर्मूला बनेगा CH3 CH2 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 OH। ठीक है, और इसके अंदर भी जो कार्बन जो है हमारे पास फोर है और हाइड्रोजन जो है 10 है। सही। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 13, गिव द कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड क्लासिफाई ईच ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हमारे पास दो इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं। ए जो है हमारे पास यहाँ पे ओ एच ग्रुप है और ये तीन कार्बन है, यानी ये प्रोपाइल अल्कोहल होगा। और ये सेकंड जो है हमारे पास दोनों साइड पे अल्काइल रेडिकल है जो कि मिथाइल है और बीच में ऑक्सीजन है, और इस मीन्स ये ईथर है। तो हम इसका नाम देंगे कंडेंस फॉर्मूले के हिसाब से। कंडेंस फॉर्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसको हम पहले कार्बन पे लगा हुआ है। अगर दूसरे कार्बन पे लगा होता तो सेकंड होता है, पहले कार्बन पे वन, तो वन प्रोपाइल अल्कोहल कहलाता है। इसका फॉर्मूला CH3 CH3 CH2 OH। अगर हम सेकंड की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन की लिंकेज है, दोनों साइड पे अल्काइल रेडिकल है, दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप है, तो ये डाई मिथाइल ईथर। इसका फॉर्मूला होगा कंडेंस फॉर्मूला CH3 O CH3। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो डायग्राम रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे एक डायग्राम आपको नजर आ रही है जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की है, कंटेन्स थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स। इसमें तीन तरह के एलिमेंट है, दो वाई है और ये आपको सिक्स जो है एक्स नजर आ रहे हैं, और एक जो है हमारे पास जेड है। अगर हम इसको देखें तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या पॉसिबल है। अगर हम वाई को सपोज कर लें कार्बन और एक्स को सपोज कर लें हम हाइड्रोजन, ठीक है, और जेड को हम ऑक्सीजन सपोज कर लें, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो क्या क्या पॉसिबल, इन्होंने ऑप्शन दिया इथेनोइक एसिड दिया है लेकिन पॉसिबल नहीं है, प्रोपीन दिया हुआ है पॉसिबल नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, इथेनॉल पॉसिबल है और प्रोपिनॉन प्रोपिनॉन नहीं पॉसिबल है, इसलिए कि ये तीन कार्बन नहीं है। यहाँ पे सेंटर में जो है वो दो कार्बन है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमें तीसरा वाला यानी इथेनॉल करेक्ट नजर आता है। क्यों करेक्ट नजर आता है कि हम इसको कव रिजेंबल करें, तो यहाँ पे अगर हम कार्बन लिख देते हैं तो दो कार्बन हो गए, यहाँ पे हम जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया और वहाँ जेड की जगह हमने ऑक्सीजन लिख दिया, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन रहा है और ये बन रहा है इथेनॉल का, तो सी विल बी करेक्ट। ठीक है, अच्छा, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो आपको नजर आ रहा है ये क्वेश्चन नंबर 15 है। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी इज अ पॉलीमर, ये एक पॉलीमर है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग विनाइल शीट, ये विनाइल शीट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ड्रेनेज पाइप्स, वायर इंसुलेशन एक्सेट्रा इनके लिए बनाए इस्तेमाल किया। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड से ये बनता है। विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, C2H3Cl, C2H3Cl। अब हमें ये बताना है कि ये विनाइल क्लोराइड जो है क्लासिफाई करना है सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड। आपको पता है सैचुरेटेड हम उसको कहते हैं जिसके अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो। अनसैचुरेटेड उसको कहते हैं जिसके अंदर एक डबल या एक ट्रिपल या एक से ज्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। तो इस लिहाज से पॉलीविनाइल क्लोराइड विल बी कंसिडर्ड एज अनसैचुरेटेड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड बिकॉज इट कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर की हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16, तो हमारे पास यहाँ पे तीन इन्होंने दिए हुए हैं, चार चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिकेटेड एसिड और अल्कीन। तो आपको ये बताना है कि इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताना है और इसका फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। अल्कोहल जो हमें दिया हुआ है तो यहाँ पे दो कार्बन है, तो ये इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल होगा। ठीक है, एल्डिहाइड जो हमें दिया हुआ है ये एल्डिहाइड है, तो ये एल्डिहाइड क्यों कहा, क्योंकि CHO ग्रुप यहाँ पे मौजूद है और CHO ग्रुप के साथ एक कार्बन मौजूद है, तो ये इथाइल
इथेन्स इथाइल रेडिकल से बना होगा, तो इसको इसलिए इसको इथेनॉल कहेंगे या एसिटाल्डिहाइड कहेंगे, ठीक है। अच्छा, थर्ड वाले की बात करें, कार्बोक्सिलिक, तो COOH ग्रुप आपको नजर आ रहा होगा, और इसके साथ एक और अल्काइल रेडिकल है, मिथाइल लगा हुआ है, तो ये दो कार्बन हो जाते हैं, तो इस वजह से हम इसको क्या है, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड कहते हैं। लास्ट वाला अल्कीन है, अल्कीन जो है वो हमें पता है डबल बॉन्डिंग होती है, इसकी एग्जांपल हमने इथीन दी हुई, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्डिंग है, तो इस वजह से ये इथीन कहलाएगा। होप सो स्टूडेंट, आपको समझ आएगा। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है, थैंक यू।